स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू इक्वल स्मार्ट क्लासेस। आई एम अनुप दीमान और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल में पार्ट नंबर 5 की। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसकी जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल and also press the bell icon so that you can get the regular update. Now let's start the part number 5. Now बात कर लेते हैं part number 5 की। part number 5 में हम लोग बात करेंगे exercise 2.3 के questions को लेकर, जिसमें हमारा question number 1 है, लिखा है divide the polynomial px by polynomial gx and find the quotient and remainder in each case. मतलब हमें दो polynomial given होंगे, एक polynomial px एंड सेकेंड वन पॉलिनोमियल जीएक्स, जिसमें हमें करना क्या होगा, पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करना होगा, देन हमें रिमाइंडर एंड क्वेश्चन फाइंड करने होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन। तो पीएक्स से डिवाइड करना, पीएक्स को डिवाइड करना है जीएक्स से, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू से आप डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। क्लियर बात है? तो फर्स्ट वन देखो आप लोग, यहां पर करना क्या है आपको, ये x स्क्वायर है और आपको चाहिए x क्यूब, तो आप किससे करेंगे भाई, x से चल जाएगा, क्योंकि x से जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आ जाएगा आपका, देन x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो आएगा माइनस 2x, लेकिन माइनस टू एक्स कहां कैरी करेंगे, 5x के नीचे, क्योंकि सेम टर्म्स जो होती हैं वो सेम टर्म्स के नीचे ही कैरी की जाती है। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास माइनस 3x स्क्वायर साइन चेंज प्लस 2 प्लस 5 इट विल बी प्लस 7x और ऊपर से आप कैरी करेंगे माइनस 3। नाउ आप लोगों के पास यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, एक्स स्क्वायर तो है केवल माइनस थ्री चाहिए, तो माइनस थ्री से कैरी करते हैं, इट विल बी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और जब माइनस थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी प्लस 6, प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 7x साइन चेंज माइनस 9। क्लियर बात है? अभी आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी रिमाइंडर की डिग्री हमारे डिवाइजर से कम होती है देन हम स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस को। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है एक्स माइनस थ्री और जो रिमाइंडर आता है 7x माइनस 9, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। क्लियर बात है? तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द रिमाइंडर एंड द क्वेश्चन, तो रिमाइंडर आया है हमारा 7x माइनस 9 एंड क्वेश्चन आया है x माइनस 3। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन पार्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में, जिसमें px की वैल्यू गिवन है आपको x रेशियो द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx की वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो डिवाइड करते हैं, देखो यहां पर सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस एक्स देन प्लस 1, तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा देन माइनस एक्स देन प्लस 1, एक्स रेशियो दी पावर 4 माइनस 3। अब देखो यहां एक प्रॉब्लम है, यहां पर एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है। क्लियर बात है? तो अगर नहीं है तो एक काम कीजिएगा आप, या तो 0 इंटू एक्स क्यूब एड कर लेना, अदरवाइज यहां पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देना, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप स्पेस छोड़ देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहां पर देखो आप लोगों को ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है यहां पर, क्योंकि यहां पर x क्यूब वाली टर्म मिसिंग थी। तो यहां पर देखो आप लोगों के पास x स्क्वायर और चाहिए x टू दी पावर 4, 2 पावर 3 हमारे पास, 2 हमने मल्टीप्लाई की देन 4 हो जाएगी, x रेशियो दी पावर 4 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 1 से करेंगे तो आएगा प्लस एक्स
स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं तो फाइनली माइनस एक्स एच टू दावर फोर प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी एक्स टू पावर थ्री और वी कैन से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स कैरी करते हैं। अभी एक्स क्यूब चाहिए आपको, आपके पास क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, एक्स क्यूब एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, देन वन से करेंगे तो प्लस एक्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन चेंज करते हैं तो प्लस एक्स एंड माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस फोर दैट इज प्लस थ्री एक्स और प्लस फाइव कैरी करते हैं ऊपर से। ये वाले ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है हमारे पास, केवल माइनस थ्री चाहिए, तो ये आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी प्लस थ्री एक्स एंड माइनस थ्री, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये आ गया एट। क्लियर बात है? तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर आया है हमारे पास एट, दैट इज ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है? तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन पार्ट आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। तो यहां पर एक फर्स्ट वन पॉलिनोमियल गिवन है, ये सेकंड वन पॉलिनोमियल गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि आप फर्स्ट वन पॉलिनोमियल से सेकंड वन को डिवाइड करो और चेक करो क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। क्लियर बात है? तो डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आता है देन हम कहेंगे कि फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट कैरी कर लेते हैं। डिवाइड करना है आपको टी स्क्वायर माइनस थ्री से टू टी रेशो दी पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। क्लियर बात है? तो देखो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए टू टी रेशो दी पावर फोर, हम लोगों के पास क्या है टी स्क्वायर, इन दोनों के फर्स्ट वन देखते हैं, चाहिए टू टी रेशो दी पावर फोर और आपके पास क्या है टी स्क्वायर, तो क्या करेंगे टू एंड टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू भी चाहिए और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टू पावर ऑलरेडी है और चाहिए फोर्टीन, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू टी रेशो दी पावर फोर, टू टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से इट विल बी माइनस सिक्स टी स्क्वायर, लाइक टर्म बिल्कुल उसी के नीचे कैरी करनी है, टी स्क्वायर वाली टर्म टी स्क्वायर के नीचे ही कैरी होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, चेंज करते हैं यहां भी तो ये आएगा आपके पास थ्री टी क्यूब और ये आएगा प्लस फोर टी स्क्वायर, क्योंकि प्लस के सिक्स माने जाएंगे और माइनस के टू, तो यहां पर माइनस नाइन टी कैरी कर लेते हैं हम लोग। अभी देखो हमारे पास एक टी स्क्वायर चाहिए थ्री टी क्यूब, मतलब एक टी चाहिए और एक थ्री चाहिए, दैट इज प्लस थ्री टी, तो ये आएगा थ्री टी क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टी की तो आएगा माइनस नाइन टी, यहां नहीं कैरी करेंगे नाइन टी के नीचे ही कैरी करेंगे, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचेगा फोर टी स्क्वायर और आप कैरी करेंगे ट्वेल्व को। अभी टी स्क्वायर है, फोर टी स्क्वायर चाहिए तो केवल फोर से करते हैं, इट विल बी फोर टी स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि 4 थ्री जा हो जाएगा 12, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, देयरफॉर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये बात है, सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
तो यहां पर रिमाइंडर जीरो आता है तो उस कंडीशन में फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। क्लियर बात है? तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम बात करेंगे सेकंड वन पार्ट की, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड पार्ट में, जिसमें लिखा है कि पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एंड सेकंड पॉलिनोमियल आपको गिवन है थ्री एक्स रेशो दी पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। सॉरी, तो देखो ध्यान से आप लोग, हमने फर्स्ट वन पॉलिनोमियल से सेकंड वन को डिवाइड किया। क्लियर बात है? तो देखो फर्स्ट वन आपको थ्री एक्स रेशो दी पावर फोर चाहिएगा, तो आपने थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया पॉलिनोमियल को, देन यहां पे कैरी किया, सारे साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया, देन आपके पास आया माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर, देन टू एक्स आप कैरी करेंगे, देन फिर आप माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को, देन दिस वन लाइन आएगी आपके पास। क्लियर बात है? जब माइनस फोर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे देन आंसर विल बी, रिमाइंडर जो आपका आएगा वो जीरो आएगा। क्लियर बात है? तो क्योंकि यहां पर रिमाइंडर जीरो आता है, इट मीन जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। इसका जो लास्ट वन पार्ट है ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्लियर बात है? आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये पॉलिनोमियल जो फर्स्ट वन पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड वन का फैक्टर है या नहीं है। क्लियर बात है? तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि फर्स्ट वन पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। क्लियर बात है? तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो ऐसे ही आप लोगों को हम लॉकडाउन में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का जो स्टडी जो प्रोसेस है वो ब्रेक थ्रू हो।